योगी के खिलाफ सड़कों पर उतरे कांग्रेसी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में की गई पेट्रोलियम पदार्थों पर की गई मूल्य वृद्धि में के विरोध में मुरादाबाद कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। विदित हो कि दो दिन पूर्व प्रदेश के योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की दरों में अचानक की गई बढ़ोतरी के खिलाफ आज मुरादाबाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं सड़क पर उतर आए और प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। ये कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने हाथों में झंडे लिए हुए थे। नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। मुरादाबाद कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अनुभव मल्होत्रा के केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। क्या प्रदर्शन था आज आपका? आज जो है महानगर कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी मुरादाबाद द्वारा जो प्रदेश सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल में वैट पर बढ़ोतरी गई है उसके विरोध में आज जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम द्वारा जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है और ये मांग करी गई है कि तुरंत जो वैट की कीमतें उन्होंने बढ़ाई हैं, वैट बढ़ाया है उसको तुरंत तत्काल कम करा जाए। और लोगों में त्राही त्राही मची हुई है, हर चीज़ महंगी हो रही है, काम कारोबार बिल्कुल नहीं है, लोग परेशान हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर जो है विरोध प्रदर्शन किया है कचहरी में। देखिए वो चल रहा है, कोर्ट का मामला है, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, ये कोर्ट फैसला करेगा कौन सही है कौन नहीं। ये सरकार क्या कर रही है आप सब लोग वाकिफ हैं, लेकिन हमें पूरी न्यायपालिका पर भरोसा है, न्यायपालिका उसको देख रही है। क्या लगता है सरकार क्या कर रही है? सरकार आपको मालूम है जुल्म की जो कर रखे गए, हर आदमी को परेशान कर रखा है, कोई सबूत नहीं कुछ नहीं। उसके मामले एक काम कर रही है।